हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल तो आप देख रहे हैं पीएस वैले। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एक कछुए के तालाब के ऊपर है और इस तालाब के अंदर लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराने आपको कछुए मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिस टाइम पे इन कछुओं को यहाँ पर डाला गया था ये 30 से 35 ही थे, इससे ज़्यादा इनकी संख्या नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर आज इनकी संख्या 400 से 500 हो चुकी है। लेकिन छोटे छोटे कछुए ज़्यादा हैं, जो अंदर ही रहते हैं वो बहुत कम बाहर आते हैं और जो बड़े कछुए हैं वो बाहर आते हैं। और एक ख़ास बात और दोस्तों, जैसे ही आप कुछ खाने को लेकर आते हैं और ताली बजाकर उस खाने को डालते हैं तो इस तालाब के अंदर, इस पौंड के अंदर जहाँ भी कछुए होते हैं वो सीधे सारे के सारे यहीं पर आ जाते हैं और वो खाना खाने लगते हैं, वो भी किसी बिना झिझक के। वो आपसे डरते नहीं हैं, हाँ कुछ डरेंगे, छोटे हैं तो वो डरेंगे, और लेकिन लगभग जो बड़े कछुए हैं जिनको आदत बन चुके वो नहीं डरते, आपके सामने से बिल्कुल वहाँ से उठाएंगे खाना और वो खा लेंगे। और अब इस चीज़ को हम ट्राई करते हैं क्योंकि मैं कुछ खाने के लिए लेके आया हूँ इनके लिए, तो वही डाल के देखते हैं और ताली बजाते हैं, देखते हैं आते कि नहीं आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं वो जो बात है वो सच है कि नहीं है। मैं एक रस का पैकेट लेके आया हूँ, ठीक है। तो अब हम इनको यहाँ पर ताली बजाएंगे और कछुओं को बुलाएंगे। ये लो, ये बुलाने की जरूरत ही नहीं है, ये आ गए, ये देखिए यहाँ पर ही आ गए। और ये देखिए कितने बड़े हैं दोस्तों, ये लगभग ही मान के चलिए 100 साल पुराने कछुए इनको बता रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हम इनको डालना स्टार्ट करते हैं। ये तो मेरे को ताली बजाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब कहने की बात है कि इनको तो खाना चाहिए, ये खाना ढूंढते हैं, ये भाग के डर के। ये लो दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ना पूरी भीड़ लग जाएगी, यहाँ पर पूरी भीड़ लगने वाली है। देखा दोस्तों, इतने बड़े बड़े कछुए मेरे ख्याल से आपने देखे नहीं होंगे ना, कहीं भी आप कहीं भी जाते हैं तो आपने देखे नहीं होंगे इतने बड़े। ये देखिए बिल्कुल, ये तो पास ही आ गया, ये पास आके खा रहा है, ये खा रहा है मुरुम मुरुम करके। थोड़े बहुत डरते भी हैं लेकिन खाने का मन तो है। ये थोड़ा सा छोटा है ना, इनमें से एक चीज़ देखिए आपने, जो ये वाला ना सबसे बड़ा है, अभी तक मेरे को जो सबसे बड़ा दिखा है ये वाला दिखा है। वो एक वहाँ पे अकेला बैठा है, उसको भी थोड़ा फेंक देते हैं, जिसको सच में भूख लगे ना वो यहाँ पे डर नहीं रहा है, वो अच्छे से खा रहा है। दोस्तों, मैंने सुना था कि यहाँ पर लगभग 400 के आसपास है, लेकिन उससे मेरे को कम ही लग रहे हैं। अभी फिलहाल तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है 50 से 60 ही दिखाई दे रहे हैं। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से उठकर थोड़ा दूर जाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जितने सारे ब्रेड थे, ये जो रस है ये मैंने फेंक दिए हैं, और जब दूर जाएंगे तो ये सारे यहाँ से खा लेंगे। अब ये डर रहे हैं तो इसलिए नज़दीक नहीं आ रहे, तो यहाँ पर ही आके सबको खा जाएंगे। तो हम थोड़ा दूर बैठेंगे और वहाँ दूर से दिखाते हैं आपको। तो लो दोस्तों, अभी हम दूर आकर बैठ गए, यहीं से जूमिंग करके इनको देखेंगे। अब यहाँ से देखो दोस्तों, ये अभी इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है, जैसे हम दूर आके बैठे इनका डर खुल गया और इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन एक चीज़ देखो दोस्तों, इनकी आंखें देखो,
ऐसा लगेगा जैसे पीछे की तरफ है, लेकिन जहाँ पर जो आँखों की शेप बनी है वहाँ पर आँखें नहीं है, उससे आगे की तरफ आँखें हैं, ऊपर की तरफ छोटी छोटी। देखा, और एक कमाल की बात बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जब गर्मी का टाइम होता है तो ये शाम के टाइम जैसे ज़्यादा गर्मी हो जाए तो बाहर निकल जाते हैं तालाब से, रोड की तरफ चले जाते हैं या इधर उधर। तो कमाल की बात है कि जो गांव वाले हैं जब इनको बाहर देखते हैं उनको लगता है कि ज़्यादा दूर आ गए, तो वो उठा के दोबारा से इस तालाब के अंदर ही छोड़ देते हैं इनको। मतलब कुल मिला के बोलने वाली बात यह है कि गाँव वाले भी इनका पूरा ध्यान रखते हैं कि इधर उधर जाते हैं तो उनको फटाक से तालाब में वो ला के छोड़ देते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने जैसा कि बोला था कि जैसे ही हम यहाँ से दूर जाएंगे, अभी मैंने दोस्तों कैमरा जूम किया हुआ है, मैं बहुत दूर बैठा हूँ, लेकिन ये देखो दोस्तों, अभी जैसे हम दूर बैठे तो ये इन्होंने आना स्टार्ट कर दिया और ये प्यार से खा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। एक ही खा रहा है और अंदर की तरफ जा रहा है। और ये देखो, यहाँ पर ये देखो, ये कुछ धूप लगा रहे हैं यहाँ पर। ये पता नहीं क्या कर लेते हैं, ये पता क्या करते हैं, जैसे गर्दन को ऊपर उठा लेते हैं और फिर धूप लगाते हैं, और ये ऐसा घंटों तक करते रहते हैं। ये पता नहीं क्या मूवमेंट है, मेरे को तो नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखो, अभी जो इनके सरदार हैं वो निकल के आने स्टार्ट हो गए। ये देखो, ये सबसे बड़ा लग रहा है मेरे को, ये सबसे बड़ा कछुआ जो मेरे को लग रहा है ये वो यही है। ये देखिए, ये सबसे बड़ा लग रहा है दोस्तों। अभी तक तो जो भी था यही है, अभी तक तो देखिए यहाँ पर इतनी साफ़ सफाई नहीं है, जैसा भी है माहौल ऐसा ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से थोड़ी यहाँ पर शायद कुछ चार दीवारी निकाल के पत्थर वत्थर डाल के इसको अच्छे से डेकोरेट किया जाएगा ताकि लोग यहाँ पर अच्छे से इसको देख सकें। और काफ़ी टाइम हो गया, वैसे तो ये देखिए नॉर्मल ही है, तो चलते हैं हम भी, काफ़ी टाइम हो गया। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो एक कछुए के तालाब के ऊपर, जो कि ऐतिहासिक है यार दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 100 साल पुराने कछुए हैं यार, कहाँ देखने को मिलते हैं ऐसे कछुए। क्योंकि हमें ज़्यादातर आज तक अपनी लाइफ में जब देखा, समुंदर के अंदर बहुत मिल जाते हैं यार, जब गांव के अंदर और वो भी हरियाणा के गांव के अंदर इतने बड़े कछुए कहाँ मिलते हैं। तो ये छोटे छोटे, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा कछुआ मैंने आज तक देखा था, जो ये जो देसी कछुए हैं ये कोई, वो तो समुंदरी कछुए तो है नहीं, ये बहुत बड़े हैं और जैसे कि मैंने बताया 100 साल पुराने हैं। तो दोस्तों, मेरे को तो बहुत मज़ा आया, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। देखते रहिए PS वाले।